हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 4 साइंस चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एक्सरसाइज। आई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? आंसर, All animals reproduce to continue their existence on the earth. सभी living things पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बजाय रखने के लिए reproduce करते हैं. 2. Name two ways by which animals reproduce. उन दो तरीकों का नाम बताइए जिनके द्वारा animals reproduce करते हैं. Answer, 1. Giving birth to young ones and laying eggs. 3. What are mammals? Give two examples. Mammals क्या होते हैं? दो example दीजिए. Answer, The animals which reproduce by giving birth to young ones are called mammals. जो जानवर बच्चा पैदा करते हैं उनको हम मामल्स कहते हैं, और उसके एग्जांपल्स है ह्यूमन बीइंग्स एंड काउ। नंबर 4, नेम 3 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए कॉकरोच। आंसर, एग, नीम एंड एडल्ट कॉकरोच। 5, नेम 2 एनिमल्स व्हिच डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। दो एनिमल्स का नाम बताइए जो अपने छोटे बच्चों का केयर यानी कि ख्याल नहीं रखते हैं। आंसर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। 6, नेम द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। आंसर, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। 7, व्हाट इज मीन्ड बाय मोल्टिंग। मोल्टिंग का अर्थ क्या होता है? आंसर, द प्रोसेस बाय व्हिच बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स इज कॉल्ड मोल्टिंग। जिस प्रक्रिया से बेबी इंसेक्ट अपने स्किन को गिराते हैं और एडल्ट इंसेक्ट बनते हैं उस प्रक्रिया को हम मोल्टिंग कहते हैं। डबल आई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। 1, द लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मगोट। 2, द एग ऑफ ए फ्रॉग हैच्स इनटू ए टैडपोल। 3, Eggs store food in the form of yolk for the baby bird. 4, the larva of a butterfly is called caterpillar. 5, the white liquid part of an egg is called albumen. 6, the baby of a cockroach is called nymph. Triple I, mark T for true and F for false statement in the box. 1, the yellow part inside an egg is called albumen. तो ये false है क्योंकि हम yellow part को yolk कहते हैं ना कि हम उसको albumen कहते हैं। और यहाँ पे box पे लिखना था, मैं side पे लिख दी हूँ। 2, All living beings reproduce by giving birth to babies. सभी living things जो है बच्चा पैदा करके जन्म देते हैं। ये wrong है क्योंकि कुछ living things होते हैं जो laying eggs, अंडे भी देते हैं। 3, frogs eggs do not have cells. ये सही है, इसलिए हम T लिखेंगे। 4, The larva of a butterfly is called caterpillar. ये भी सही है, true है, इसलिए यहाँ पे भी हम T लिखेंगे। 5, frogs eggs hatch into pupae.
ये जो है फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। आई भी गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स ऑफ ईच टाइप। वन मामल्स लायन एंड टाइगर। टू एग लेइंग एनिमल्स फिश एंड फ्रॉग। थ्री एनिमल्स व्हिच डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस स्नेक एंड लिजर्ड। भी मैच द फॉलोइंग विथ ए लाइन। वन कैटरपिलर डी बटरफ्लाई। टू मगोट सी हाउस फ्लाई। थ्री टैडपोल ए फ्रॉग। फोर बिगेस्ट एग बी ऑस्ट्रिच। फाइव नीम्फ ई कॉकरोच। भी आई कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द हिंट्स गिवेन। ए एग लेइंग एनिमल स्पैरो एस पी ए आर ओ डब्ल्यू। बी ए मामल लायन एल आई ओ एन। सी बेबी ऑफ ए कैट किटन के आई टी टी ई एन। डी येलो पार्ट ऑफ एन एग योल्क वाई ओ एल के योल्क। ई लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई मगोट एम ए जी जी ओ टी। नंबर आई एक्स मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे फोर ऑप्शन है, जो सही है उस पे हम टिक करेंगे। वन द एग्स ऑफ ए फ्रॉग हैच इनटू सी टैडपोल। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। आंसर डी कैट। थ्री द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड। आंसर बी कैटरपिलर। फोर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केयर फॉर इट यंग वंस ए लिजर्ड। फाइव द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हाउस फ्लाई इज आंसर सी फोर। सिक्स द व्हाइट पार्ट इन द एग इज कॉल्ड आंसर बी एल्ब्यूमेन। सेवन द एग ऑफ ए फिश इज कॉल्ड आंसर सी स्पॉन। एट द बेबी ऑफ ए कॉकरोच इज कॉल्ड आंसर ए निम्फ। एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थ्री इज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।